प्रस्तुत है कविता भिक्षुक इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इसको मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ यहाँ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा और उसके बाद कविता की व्याख्या उसके शब्दार्थ उसमें आए मुहावरों के अर्थ व्याख्या प्रश्नोत्तर आदि आपको वीडियो में मिलेंगे भिक्षुक वह आता वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता साथ दो बच्चे भी हैं साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए भूख से सूख ऊठ जब जाते दाता भाग्य विदाता से क्या पाते घूट आंसुओं के पीकर रह जाते घूट आंसुओं के पीकर रह जाते चाट रहे जूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए ठहरो, अहो, मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा अभिमल्यू जैसे हो सकोगे तुम तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं दो टूक दो टूक का अर्थ होता है दो टुकड़े टूक का अर्थ है टुकड़े दो टूक कलेजे का अर्थ है बहुत दुखी होना आपने फिल्मी गीतों या फिल्मी संवादों में भी सुना होगा ना दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और दिल के दो टुकड़े हुए बहुत अधिक कोई व्यक्ति जब दुखी होता है तो दुख को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह से कह देता है वास्तव में तो दिल ऐसे टूटता थोड़ी है लेकिन हाँ कोई ऐसी बात जो आपके मन को बहुत चोट पहुंचाती है बहुत दुख देती है तब उस स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए कह दिया जाता है कि कलेजे के दो टूक हो गए कलेजा टूक टूक हो गया या दो टूक कलेजे के हो गए तो कलेजा का जो ओ, डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे आप उर्दू डिक्शनरी में तो उसमें इसका अर्थ है यकृत यानी लिवर लेकिन हम इसका अर्थ हृदय से लेते हैं क्योंकि यहाँ भावों को अभिव्यक्त करने के लिए इस प्रकार से कहा जा रहा है तो ये दो टुक कलेज अर्थात दिल के दो टुकड़े हो जाना बहुत अधिक दुखी होना यही अर्थ आप लिखेंगे पथ का अर्थ होता है रास्ता और इसका एक और अर्थ होता है मार्ग झपट लेना छीन लेना दया दृष्टि यहाँ पर योजक चिन्ह है अर्थात यहाँ से कुछ हटाया गया है तो यहाँ पर हटाया गया क्या कि दया की दृष्टि दया से देखना इसका अर्थ होगा और दया की दृष्टि अर्थात वो को कोई कृपा पाने के लिए उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं इसलिए भिक्षुक हाथ फैलाते हैं दया की दृष्टि का इंतजार करते हैं दया की दृष्टि दया से देखना भाग्य विधाता यहाँ भी योजक चिन्ह है भाग्य का विधाता भाग्य को बनाने वाला कौन है ईश्वर इसका अर्थ है टेक इसका अर्थ होता है सहारा या टिकाकर अड़े हुए तत्पर या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बाधा डालने को तैयार लकुटिया छोटी लकड़ी या लाठी दाता देने वाला अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र एक महान योद्धा भी है और अमृत अमर करने वाला पेय पदार्थ है इसे हम सुधा भी कहते हैं अमीय भी कहते हैं सींच इसका अर्थ होता है छिड़काव या सिंचाई इंग्लिश में इरिगेशन भी कह सकते हैं इस कविता में दो मुहावरों का प्रयोग किया गया है मुहावरा कलेजा टुक टुक होना या कलेजा दो टुक होना इस मुहावरे का प्रयोग आपने शुरू की पंक्ति में ही देखा था दो टुक कलेजे के करता इसका अर्थ है बहुत अधिक दुखी होना या बहुत अधिक मानसिक कष्ट या संताप होना दूसरा मुहावरा जो प्रयोग में लाया गया है आंसुओं के घूट पीकर रह जाना या आंसू पीकर रह जाना ये सिमिलर मुहावरा है और इसका अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना अभिमन्यु के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं अभिमन्यु इस तरह का चित्र आपके समक्ष आएगा जब भी आप गूगल में टाइप करेंगे देखना चाहेंगे और ये रथ का पहिया लेकर अभिमन्यु किस तरह से अकेला बहुत से लोग जो भी कौरव थे उनसे इस तरह से युद्ध कर रहा था अकेला उसने हार नहीं मानी थी अभिमन्यु असाधारण योद्धा थे, थे महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में जाने जाते हैं और पांच पांडवों में से अर्जुन जो कि जाने माने धनुर्धर थे उनके पुत्र थे उन्होंने कौरव पक्ष की रचना अभिमन्यु ने कौरव पक्ष की रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था और उसमें सात व्यूह हुआ करते थे जिसमें से द्वार भेद कर वह निकल आया था अकेले और उसके बाद वह अंत तक लड़ता रहा सातवें द्वार को वह नहीं भेद पाया और वहीं रणभूमि में शहीद हो गया जिस समय यह साहस भरा कार्य अभिमन्यु ने किया था उस समय उसकी आयु केवल पंद्रह वर्ष थी तो साहस का प्रतीक माना जाता है कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार है इसका मुख्य भाव समाज में आर्थिक असमानता के कारण एक गरीब भिक्षुक की दयनीय अवस्था को सबके सामने प्रस्तुत करना है कविता में एक गरीब भिखारी और उसके बच्चों की दयनीय अवस्था को चित्रित किया गया है वह और उसके बच्चे भूख से बेहाल हैं वे अपना पेट मलते हुए इस स्थिति को दर्शा रहे हैं भूख की विवशता के कारण झूठी पत्तलों को चाटने पर मजबूर हैं इन झूठी पत्तलों को उनसे झपट लेने को कुत्ते भी वहां पर खड़े हैं जो इस पूरे दृश्य को बेहद भावपूर्ण बना रहे हैं समाज में ऐसे लोगों पर कोई दया नहीं दिखा रहा है जिससे वे ऐसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं कभी उनको अभिमन्युओं की तरह साहसी बनाना चाहता है ताकि वे स्वयं संघर्ष करके इस दयनीय स्थिति से बाहर निकल सकें कवि का उद्देश्य क्या है कवि का उद्देश्य समाज के इन उपेक्षित लोगों के प्रति हमारा ध्यान खींचना है समाज में इन्हें भी ध्यान इन्हें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले भीख मांगना किसी भी तरह सही नहीं है भिक्षावृत्ति समाज पर कलंक है समाज के समर्थ वर्ग को ऐसे मजबूर युवाओं को रोजगार दिलाना चाहिए भीख मांगते बच्चों और वृद्धों की उचित सहायता करनी चाहिए अब अगर हम कविता की व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करते हुए हमें जो प्रसंग लिखना है वह कुछ इस प्रकार होगा छोटी सी कविता है तो इसको एक साथ ही हम समझ लेते हैं तो जो भी पंक्तियां आपको परीक्षा में दी जाती हैं व्याख्या करने के लिए तो आप प्रसंग इस प्रकार से लिख सकते हैं संदर्भ और प्रसंग दोनों इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक जो भी आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है इसके पाठ भिक्षुक कविता से ली गई हैं इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने सड़क पर भीख मांगने वाले भिक्षुक का बड़ा सजीव और यथार्थ चित्रण किया है पूरी कविता में ये सजीव और यथार्थ चित्रण है और जो भी पंक्तियां आपके समक्ष आती हैं अगर उससे संबंधित कोई विशेष बात है उसको भी आप प्रसंग में लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं पूरी कविता के लिए यह संदर्भ और प्रसंग लिख रही हूँ तो इस प्रकार से लिख सकते हैं और जो विशेष होगा इस पूरी कविता के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है आप पंक्तियों के अनुसार थोड़ा सा इसमें बदलाव कर सकते हैं तो विशेष में या हम कहें काव्य सौंदर्य में आप लिखिए कि भिकारी का यथार्थ चित्रण पूरी संवेदना के साथ किया गया है कवि का इस कविता में कवि का मानवतावादी स्वर प्रमुख है सामाजिक विषमता पर व्यंग किया गया है ये इसका भावपक्ष है इसके बाद हम देखते हैं कि भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया है हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है तो खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी कविता में आप देखिए बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग है छंदमुक्त कविता है परंतु फिर भी इसमें लय है और प्रवाह है कुशल बिंब योजना है मुहावरों का प्रभावी प्रयोग किया गया है कविता में अभिमन्यु संघर्षरत और संकल्प निष्ठ व्यक्ति के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त तो हुआ है तो ये कविता को अब हम पढ़ते हैं तो ये मैंने ये हमेशा व्याख्या के बाद लिखते हैं मैंने आपको ये बता दिया पहले कि ये आप इस तरह से कॉमन बातें लिख सकते हैं कविता शुरू करते हैं और इसकी व्याख्या यहाँ लिखी हुई है मैंने वह आता दो टूप कलेजे के करता पछताता पथ पर आता वह आता भिक्षुक आ रहा है दो टूप किसके कर कलेजे के किसके कर रहा है कवि के कवि को दुख होता है उसको देख कर और पछताता है कौन पछताता है भिक्षुक पछ पछता रहा है अपनी किस्मत पर पथ अर्थात रास्ते पर रास्ते पर आते हुए एक भिखारी को देखकर कवि का हृदय द्रवित हो जाता है उसे उसकी स्थिति को देखकर दुख होता है और वह देख रहा है कि यह भिखारी यह भिक्षुक अपनी किस्मत पर पछताता हुआ अपने भाग्य पर पछताता हुआ उस रास्ते पर आता है और उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की है पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक अर्थात उसे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है इस कारण उसका पेट और पीठ एक हो गए से प्रतीत होते हैं और वह इतना कमज़ोर है कि वह लाठी के सहारे चल रहा है तो इसको कुछ इस प्रकार से देखते हैं यहाँ कवि को रास्ते में एक दीनहीन भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर उन्हें बहुत अधिक दुख होता है वह स्वयं अपनी भी करुणाजनक स्थिति से सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है वह कौन भिक्षुक वह इतना दुर्बल और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर एक से प्रतीत होते हैं अर्थात भूख से उसका पेट चिपका पिचका हुआ है चाट रहे जूठी पत्तल जूठी पत्तल जूठन यानी किसी का खाया हुआ छूटा हुआ जो किसी ने पहले से खा रखा हो फिर उसको अगर खाना पड़ता है तो वह कितनी ही दयनीय स्थिति है यहाँ पर कि सड़क पर पड़ी हुई जूठी पत्तलों को वे चाटने पर विवश हैं। पत्तल किसे कहते हैं पत्तल पत्तों की बनी हुई प्लेट तो पहले तो पत्तों से बनी हुई प्लेटें ही प्रयोग में लाई जाती थी जिन्हें हम पत्तल कहते हैं और उसके बाद आ गई पेपर प्लेट्स अब पेपर प्लेट्स भी लोग कह रहे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इसलिए फिर से वही पत्तों की प्लेटें एक नए रूप में आने लगी हैं और हम उनको ऑर्गेनिक प्लेट्स भी कहते हैं तो यहाँ कभी कहते हैं कि चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को झपट में छीन लेने को उनसे कुत्ते भी हैं आड़े हुए कुत्ते वहां पर तैयार खड़े हैं क्योंकि वो भी इन्हीं पत्तलों को चाट कर अपनी भूख मिटाएंगे वो भी इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कब मौका मिले इनसे छीन लें कवि कहता है कि भूख मिटाने की व्यवस्था में मजबूरी में कभी कभी भिक्षु सड़क पर खड़े रहकर जूठी पत्तलें चाटते हुए भी दिखाई दे जाते हैं और उनके पास में कुत्ते उनसे उन पत्तलों को छीन लेने के लिए तैयार दिखाई देते हैं यह पूरा दृश्य दिल को मन को विचलित कर देता है और ऐसी स्थिति उनकी जानवर से भी बदतर स्थिति दिखाई देती है और कवि इस दृश्य को देखकर करुणा और संवेदना से भर जाते हैं उनका मन विचलित हो जाता है वे कहते हैं ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा तो वे कहते हैं ये जो अमृत है हृदय का अमृत क्या है उनकी दया दया रूपी अमृत तो वे कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकालकर इन सूखे होठों को सरस कर दूंगा जीवन शक्ति देकर इनकी भूख शांत कर दूंगा ऐसी उनकी भावना है अर्थात वे अपनी हृदय की सारी करुणा से उनको भिगो देना चाहता है ऐसे प्रयास करना चाहता है, कैसे अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तो, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा तो वह ऐसे प्रयास करके उन्हें अभिमन्यु जैसा साहसी बनाना चाहता है जिससे उनके कष्ट दूर हो जाएं, वह अपनी करुणा की वर्षा उन पर करके उनको अभिमन्यु जैसा साहसी बना देना चाहता है और वह चाहता है कि वे अभिमन्यु जैसे साहसी बनकर अपने इस गरीबी के चक्रव्यूह के बाहर निकल सके तो कहने का आशय है कि व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्प करके संघर्ष करे तो अभिमन्यु की भांति अकेले ही सारी बाधाओं को झेल सकता है और अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकता है और अंत में जो पंक्ति है तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा कवि भावुक होकर कह रहा है कि वह ऐसे भिक्षुकों के दुखों को खींच कर अपने हृदय में रखना चाहता है और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को देकर बदले में उसे सुखी बनाना चाहता है उसके कष्टों को दूर करना चाहता है भिक्षुक कविता के प्रश्नोत्तर यहाँ अब हम पढ़ेंगे भिखारी के साथ कौन है वे क्या कर रहे हैं भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं वे भी बेहाल हैं और भूख मिटाने के लिए अपने बाएं हाथ से पेट मल रहे हैं और दाएं हाथ को भीख मांगने के लिए लोगों के सामने फैला रहे हैं वे ऐसा क्यों कर रहे हैं वे दोनों बच्चे यह सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि उनकी दयनीय स्थिति को देख किसी के मन में दया या सहानुभूति का भाव जग जाए और तरस खाकर उन्हें कुछ खाने को दे दें दो टूक कलेजे का क्या अर्थ है तो टूक कलेजे का अर्थ है बहुत दुखी होना जब मन दुख और वेदना से फटने लगता है तो इस प्रकार से कहा जाता है पेट और पीठ मिलकर एक क्यों हो गए हैं पेट और पीठ भोजन न मिलने के कारण एक दूसरे से मिला हुआ प्रतीत होता है बहुत दिनों से भरपेट भोजन ना मिलने के कारण भिक्षुक भुखमरी का शिकार हो गए हैं भिक्षुक लोगों से क्या मांग रहा है भिक्षुक लोगों से अपनी भूख मिटाने के लिए दो मुट्ठी अनाज मांग रहा है कवि ने उसकी गरीबी का वर्णन किस प्रकार किया है कवि ने उसकी गरीबी का वर्णन करते हुए कहा है कि भोजन के अभाव और मानसिक चिंता से वह अत्यंत कमजोर हो गया है वह इतना कमजोर हो गया है कि कवि ने उसकी गरीबी का वर्णन करते हुए कहा है कि भोजन के अभाव और मानसिक चिंता से वह अत्यंत कमजोर हो गया है वह इतना कमजोर हो गया है कि लाठी के सहारे के बिना उसका चलना भी नामुमकिन है उसका पेट और पीठ भोजन न मिलने के कारण एक दूसरे से मिला हुआ सा प्रतीत होता है मुट्ठी भर अन्न पाने के लिए वह दर दर जाकर अपनी फटी हुई झोली का मुंह फैलाता है अपने स्वाभिमान को त्याग कर दुखी मन से मार्ग पर चलता जाता है अगला प्रश्न है भिखारी और उसके दोनों बच्चे जूठी पत्तलें क्यों चाट रहे हैं उनके हाथ से कौन पत्तल छपट लेना चाहता है भिकारी और उसके बच्चे अपनी भूख शांत करने के लिए रास्ते पर पड़े हुए पत्तलों को चाट रहे हैं कुत्ते भी उनसे उन्हीं पत्तलों को झपट पत लेना चाहते हैं किसकी दशा को देखकर किसी को दया नहीं आती भिखारी और उसके दोनों बच्चों की दशा को देखकर किसी को दया नहीं आती और ना ही उनकी सहायता के को लिए कोई उन्हें अनाज दे रहा है दाता का अर्थ क्या है दाता का अर्थ है देने वाला भाग्य विधाता का अर्थ क्या है भाग्य का निर्माण करने वाला अर्थात ईश्वर इस कविता में भाग्य विधाता किस भाग्यविता विधाता कवि ने किसके लिए कहा है तो कहने का क्या आशय है इस कविता के अनुसार अगर हम देखें तो कवि कहते हैं कि भिक्षुक अपने भाग्य निर्माता से भूख अपमान और समाज की उपेक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं पाते तो जो संपूर्ण सृष्टि है उसका निर्माण तो ईश्वर ने किया है और मनुष्य के सुख दुख में वे उसका ख्याल भी रखते हैं ऐसा माना जाता है ईश्वर सबका पालन करता है किन्तु यहाँ भिक्षुक के लिए भी उनकी कोई सहायता नहीं होती और भिक्षुक जो है उसके लिए तो समाज के जो समर्थ लोग हैं वे ही उसे कुछ देंगे तो उसका भाग्य बनेगा तो भिक्षुक अपने भाग्य निर्माता से जिस चीज़ की अपेक्षा करता है वह तो उसे मिलती नहीं बल्कि उसे अपमान भूख और समाज की उपेक्षा ही मिलती है तो इस कविता में कवि भाग्य दाता, भाग्य विदाता समाज के उन साधन संपन्न वर्ग को कह रहा है जो चाहें तो उचित मदद देकर इनका भाग्य बना सकते हैं लेकिन कोई इनकी मदद कर नहीं रहा सभी अपनी लालच और स्वार्थ में डूबे हुए हैं वे समाज के इन गरीब लाचार साधनहीन व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं समाज में भिक्षावृत्ति यानी बैगिंग को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए तो जैसा हमने पहले बताया था कि नौजवानों को जो लाचार गरीब नौजवान हैं उन्हें उचित रोजगार की रोजगार दिलाना चाहिए और जो गरीब और वृद्ध हैं उन्हें भी उचित सहायता देकर समाज में सम्मान के साथ जीने का हक देना चाहिए तो भिक्षावृत्ति तभी रुकेगी जब लोगों को रोजगार अपना पेट भरने के लिए कुछ साधन उपलब्ध हो सकेंगे और इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज के संपन्न वर्ग को भी अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए भिक्षुक की झोली कैसी है भिक्षुक की झोली फटी पुरानी है भिक्षुक की दीन दशा का वर्णन कीजिए भिक्षुक बहुत ही दुर्बल है उसका पेट और पीठ देखकर इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है काफ़ी दिनों से भोजन ना मिलने के कारण उसके पीठ और पेट एक जैसे हो गए हैं वह बुढ़ापे और दुर्बलता के कारण लाठी के सहारे चल रहा है आपकी पाठ्यपुस्तक के अन्य पाठ भी मेरे चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं आप उन्हें पाठ्यपुस्तक के नाम से या फिर अपनी कक्षा के प्ले में देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी कवि के हृदय में अमृत किस रूप में विद्यमान है कवि भिक्षुक की दयनीय हालत देखकर दुखी हो जाते हैं उनके मन में करुणा का भाव जागता है वे उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं वे अपने पूरे सामर्थ्य से अपने अपनी पूरी क्षमता से उनकी मदद करना चाहते हैं साथ ही वे अभिमन्यु की तरह वीर और साहसी बनाना चाहते हैं वे उनको अभिमन्यु की तरह वीर और साहसी बनाकर उन्हें संघर्ष से लड़ने की हिम्मत देना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि ये स्वयं संघर्ष कर इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें या कहें कि गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकें आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इस कविता से पहले एक क्वेश्चन आया था एक साल वह इस प्रकार था इसी तरह का क्वेश्चन आएगा रीड द आंसर इन हिंदी दी निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। तो ये पद्यांश है और इसके अनुसार आप उत्तर लिखेंगे पहली दो पंक्तियों में कवि ने क्या दृश्य प्रस्तुत किया है ये दो अंक का है तो कुल मिलाकर ये पूरा दस अंक का प्रश्न है और दो अंक का पहला और दूसरा है दो दो अंक का चार अंकों के उसके बाद जो तीसरा है उसमें दो प्रश्न है एक अंक का और ये दो अंक का और कविता का केंद्रीय भाव तीन अंकों का है तो इस तरह से आ, देखें प्रश्न यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं पहली दो पंक्तियों में कवि ने क्या दृश्य प्रस्तुत किया है तो पहली दो पंक्तियों में कवि ने भिक्षुक और उसके बच्चों को सड़क पर जूठी पत्तले चाटते हुए दिखा दिखाया है या ये कहें कि इस दृश्य में भिक्षुक अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क पर पड़ी जूठी पत्तलों को चाटने पर मजबूर है उनके साथ कुत्ते भी खड़े दिखाई दे रहे हैं जो इन जूठी पत्तलों को उनसे छीनने के लिए तैयार खड़े दिखाई पड़ते हैं तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो साथ ही एक दो तो लाइन और अगर जोड़ देंगे कि जब कोई गरीबी के निम्न स्तर पर पहुंच जाता है तब वह भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है ऐसे में उसकी स्थिति जानवर से भी बदतर दिखाई देती है इस भावुक दृश्य से हमारे हृदय में क्या भाव उत्पन्न होते हैं इस भावुक दृश्य से हमारे हृदय में दया और सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं हम उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम भी कवि की तरह चाहते हैं कि वे कुछ इस प्रकार से अपने प्रयास करें कि चक्र गरीबी के इस चक्रव्यूह से स्वयं को निकाल सकें तो हम उनके लिए हर संभव सहायता करना चाहते हैं क्या भिक्षुकों की मदद करना मानवीय धर्म नहीं है हाँ भिक्षुकों की मदद करना मानवीय धर्म है परंतु उनको भिक्षा देना उन्हें बिना कोई काम के आलस आलसी बना देना गलत है भिक्षुकों की मदद हमें इस तरह से करनी चाहिए कि वे अपने आप संघर्ष करके अपनी इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकें अपने जीवन के कष्टों को स्वयं दूर कर सकें यहाँ अभिमन्यु का उदाहरण कवि ने क्यों दिया है कवि उन्हें अभिमन्यु की तरह साहसी बनाकर अपने जीवन के संघर्षों से स्वयं लड़ने की हिम्मत देना चाहता है तो यहाँ अभिमन्यु का उदाहरण कवि ने इसलिए दिया है कि अभिमन्यु ने जिस प्रकार अकेले ही संघर्ष करते हुए चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया था ये भिक्षुक भी अपने प्रयासों से गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ सकें ऐसा वे चाहते हैं कविता का केंद्रीय भाव ऊपर मैंने लिखा हुआ है आप उसे देख सकते हैं भिक्षुक की मदद करना मानवीय धर्म है परंतु उसको हमें मदद इस रूप में देनी चाहिए कि वह उस मदद के सहारे स्वयं प्रयास करते हुए इस दयनीय स्थिति से बाहर निकल सके इसलिए कवि ने अभिमन्यु का उदाहरण यहां दिया जिस तरह अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास किया उसी तरह कभी चाहते हैं कि ये भिक्षुक भी साहसी बनकर अपने जीवन के संघर्षों से स्वयं लड़ें और गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास करें अब कुछ और अभ्यास देखते हैं जो एक छात्र की पुस्तक से लिए गए हैं बाई और लिखे शब्द से बने सही विशेषण पर निशान लगाओ तो इस कविता से संबंधित कुछ शब्द हैं और विशेषण किसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं अंग्रेजी में इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं तो पेट पेटक पेटू तो इन दोनों में जो विशेषण है वो पेटू होगा भूख से क्या विशेषण बना है भूखा सूख सूख से विशेषण है सूखा दया से दयालु दुख शब्द से विशेषण है दुखी हृदय इससे विशेषण बना हार्दिक और सही उत्तर पर सही टिक का निशान लगाओ भिक्षुक कविता में ये दो कवियों नाम के नाम दिए हैं कि प्रगतिशील रूप की झलक मिलती है तो इसमें हम लिखेंगे निराला जी भिक्षुक कविता में निराला जी की प्रगतिशील रूप की झलक मिलती है है भिखारी के चित्र को उकेरने में वैज्ञानिक या कवि किसने अपने हृदय की समस्त करुणा उडेल दी है तो ऑब्वियसली कवि हैं तो कवि ने अपने हृदय की समस्त करुणा उडेल दी है मिलान करिए जोड़े मिलाओ हमें सहायता करनी चाहिए किसकी सहायता करनी चाहिए यहाँ पर ऑप्शन है होंठ करारा प्रहा गरीब लोगों की भिक्षावृत्ति तो यहाँ पर ये होगा ग, गरीब लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए गरीब लोगों की रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं क्या रोकने के लिए ओंट और करारा प्रहा भिक्षावृत्ति तीन बचे हैं भिक्षावृत्ति रोकने के लिए करा सॉरी आवश्यक कदम उठाना चाहिए कवि ने सामाजिक विषमता पर किया है क्या किया है करारा प्रहा, प्रहार किया है करारी चोट की है तो ये इसके साथ जाएगा करारा प्रहार मिलान होगा भूख से सूख जाते हैं क्या सूख जाते हैं सूख सूख जाते हैं। लिप्स सूख जाते हैं, हैं। लिप्स कविता के अनुसार ये सारा हमने देखा किस तरह से हमें जोड़े मिलाने हैं अब देखते हैं कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ टूक शब्द है यहां सही से नहीं दिखाई दे रहा टूक शब्द दिया है इसका आप बना सकते भिखारी की दशा देख कर कवि का दिल दो टूक हो गया मुट्ठी भर मुट्ठी भर दाना पाने के लिए भिखारी दर दर भटकता है जूठी पत्तल गरीब बच्चे जूठी पत्तल में से खाने को मजबूर हो जाते हैं अमृत अमृत पीकर ऐसे आप इसको लिख सकते हो देवता अमृत पीकर अमर हो गए ठीक है यहाँ पे आप लिख सकते हो देवता अमृत पीकर अमर हो गए फिर है कि पथ पथ हमें सदा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए अभिमन्यु शब्द से आप बना सकते हैं अभिमन्यु की तरह साहसी बनो समान अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं तो पर्यायवाची शब्द दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं अमृत यहाँ लिखा हुआ है आप ठीक से नहीं देख सकते अगर आपकी पुस्तक का ये अभ्यास है तो आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं अमृत उसके दो पर्यायवाची हैं सुधा और अमीय और भाग्य विधाता के पर्यायवाची ईश्वर और परमेश्वर या परमात्मा भी लिख सकते हैं पथ का पर्यायवाची है रास्ता और मार्ग इसी तरह से हो ओठ लिखा है कविता में ओठ उसका पर्यायवाची है होठ और ओष्ठ